हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अफिलिएट मार्केटिंग। सो आज हम जानेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक एकदम छोटे से डेफिनेशन से। सो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। सो इसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और अदर कंपनीज प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है एंड आप मेरे पास आते हैं, मैं एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप मेरे पास आएंगे, आप बताएंगे कि आपके पास जो है बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप मेरा जो ये 100 रुपीज़ का जो मैं ये मार्केट में प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बेचती हूँ, आप अपने सोर्स या अपने नेटवर्क के थ्रू इस पर और सेल्स ला सकते हैं, ठीक है। एंड इस पे हम म्यूचुअली एग्री करेंगे एंड हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ठीक है आप जो भी सेल करते हैं उस पे हम एक कमीशन रखेंगे। कमीशन जो है आपका कोई भी परसेंटेज हो सकता है, 10%, 20%, कोई भी एक सेट कमीशन हम रखेंगे एंड वो जो है आप इस पूरे प्रोसेस को अब जब सेल कर लेंगे तो इसमें जो पूरा प्रोसेस है इसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो इसको मैं अगर समराइज करूँ तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है आप इसको बेचेंगे ना, आपको एक जो कमीशन है वो आपको फिक्स्ड इस पे मिलेगा। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, पर इस पूरे प्रोसेस को जो है जहाँ पे आप किसी और के प्रोडक्ट को, किसी और का प्रोडक्ट जो है आप उसको सेल करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जहाँ पे आपको या फिर पर्सन, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हूँ जिसका प्रोडक्ट है तो आपको जो है यहाँ पे एक फिक्स कमीशन मिलता है, इस प्रोसेस को हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपके पास एक ईमेल लिस्ट है, आपके पास लीड्स है ईमेल पूरी, जहाँ पे आप उस पे ईमेल अच्छा एक कंटेंट भेज के उस पे फॉलो अप लेके फिर आप लाना चाहते हैं, या फिर आपके पास अच्छे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास फेसबुक पे कोई कम्युनिटी या ग्रुप है जहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि जहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे कैसे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। सो इट इज वेरी बेसिक, इट इज वेरी सिंपल कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स प्रोडक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मेजरली जो है 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज वेंडर, सेकंड इज अफिलिएट, थर्ड इज अफिलिएट नेटवर्क्स। ओके, वेंडर तो वो हो गया जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जो मैन्युफैक्चर करता है, जिस जो प्रोडक्ट ओन करता है, ठीक है, दैट इज वेंडर। अफिलिएट जो है जो प्रोडक्ट को बेसिकली बेचने वाले हैं या फिर जो प्रोडक्ट को प्रमोट करके बेचने वाले हैं, जैसे भी वो करें, ठीक है। सो अफिलिएट वो हो गए। अब यहाँ पे थर्ड एंटिटी जो है वो है अफिलिएट नेटवर्क। तो आप एक यहाँ पे एक सिनेरियो समझिए कि कभी कभी जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मल्टीपल अफिलिएट्स के साथ वर्क कर पाना, ट्रैक कर पाना कि वर्क कैसा चल रहा है। तो इस सिनेरियो में जो है जो पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं या फिर एक ऐसा ब्रिज में कह लूँ काम करते हैं तो वो होते हैं अफिलिएट नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वेंडर्स होते हैं वो डायरेक्टली अफिलिएट से कांटेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं कि उनके पास आप अफिलिएट नेटवर्क को ना एक ऐसा वेबसाइट यहाँ पे मान सकते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं वेंडर्स कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो उस वेबसाइट के ऊपर, जो भी वेबसाइट हो उसके ऊपर जाते हैं, अपना बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये इसके स्पेसिफिकेशन या USPs है, और अगर आप इसको सेल करते हैं तो मान लीजिए पर सेल आपको ये एक पर्टिकुलर कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। सो ये तो हो गई वेंडर साइड का पूरा वे जो वर्क होता है। अब आते हैं अफिलिएट साइड पे। सो जैसे मैंने बताया कि जो भी अफिलिएट नेटवर्क है वो बेसिकली एक टाइप का वेबसाइट होता है। तो जैसे वेंडर आते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, वैसे ही सेम तरीके से अब क्या होता है कि जो भी अफिलिएट्स होते हैं वो इन वेबसाइट्स पे आते हैं, उन्हें जो भी प्रोडक्ट्स बेचने हैं उन्हें वो सिलेक्ट करते हैं, उन्हें वो चूज़ करते हैं एंड फिर अप्रूवल के लिए जाता है। जैसे वो अप्रूव हो जाता है फिर वो प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करने लगते हैं जिस भी वे से वो चाहिए, एंड फिर आगे का जो प्रोसेस मैंने बताया था वो उनको जो भी बेस्ड कमीशन होता है प्रोडक्ट के ऊपर वो उनको फिर उस अकॉर्डिंगली फिर मिलता है। सो ये जो सारा प्रोसेस था उसको मैं अगर सिंपल वे में बताऊं तो दैट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। एंड यहाँ पे जो अफिलिएट नेटवर्क्स का जो वर्ड एक मैंने बताया यूज़ किया वो एक तरीके का वेबसाइट होता है, ये एक मीडिएटर या फिर आप कह लीजिए ब्रिज के तौर पे काम करता है वेंडर्स एंड अफिलिएट्स के बीच में, ये सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो अगर हम डिस्कस करें अफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर तो अफिलिएट नेटवर्क्स को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंडियन जो है उनको आप एक रख सकते हैं, इंटरनेशनल
इंडिया, आउटसाइड इंडिया है। उसके अलावा भी है कि इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं फिर, कि स्टैंड अलोन अफिलियट्स एक हैं, अफिलियट नेटवर्क्स एक हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, तो अगर मैं अमेजोन का आप एग्जांपल लें, मान लीजिए, तो अमेजोन के पास खुद का इतना अच्छा डेटा बेस है, अमेजोन खुद में एक इतनी अच्छी और बड़ी एंटिटी है कि उनको किसी और के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है अफिलियट नेटवर्क्स के लिए। उनके पास खुद के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि खुद का एक अफिलियट नेटवर्क डेवलप कर लिया है एंड फिर वो बाकी अफिलियट्स को उस पे लाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो बहुत सारे अफिलियट नेटवर्क्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो फ्लिपकार्ट एक अफिलियट है। इसी तरीके से बहुत सारे अफिलियट नेटवर्क्स या स्टैंड अलोन नेटवर्क्स अवेलेबल हैं इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो फ्लिपकार्ट अफिलियट एक है अवेलेबल, वैसे ही सेम तरीके से अमेजोन का जो अफिलियट है उसको अमेजोन एसोसिएट्स कहते हैं। उसके अलावा वी कमीशन है जो कि एक अफिलियट नेटवर्क है। उसके अलावा बिग रॉक अफिलियट है जहाँ पे उन वो एक होस्टिंग कंपनी है। अगर आप उनकी सर्विसेज को, होस्टिंग सर्विसेज को अगर आप सेल कर पाते हैं अफिलियट नेटवर्क के थ्रू, आप वो कैसे भी करें, ईमेल, अपने सोशल मीडिया फॉलो के थ्रू, तो जैसे भी अगर आप चाहें, तो उनका भी एक बिग रॉक अफिलिएट इस नेम से है। तो ये तो गया इंडिया के अंदर का। इसके अलावा अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें तो क्लिक बैंक एक है, सीजे अफिलिएट्स है एंड जेवी जू है। सो ये कुछ नेम्स हैं जो आउटसाइड इंडिया के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में जो है वो अवेलेबल है। अगर आप देखें तो दोनों में अगर मैं डिफरेंसेस या पर्क्स का क्या डिफरेंस है वो अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो इंडियन अफिलिएट्स को वो ये है कि आप इंटरनेशनल में आप डॉलर्स में आप अर्न करते हैं एंड इंडिया में आप INR में अर्न करते हैं। दूसरी जो एक चीज़ है कि आप देखेंगे अगर कंपैरिजन अगर मैं बता रही हूँ आपको, तो जो पेमेंट साइकिल अगर मैं कहूँ तो इंडियन वाले में क्या होता है कि पेमेंट साइकिल जो होता है वो अराउंड 45 डेज टू 60 डेज एक हो जाता है। एंड अगर सेम टाइम पे हम देखें तो इंटरनेशनल वाले में थोड़ा कम लगता है। तो एक ये डिफरेंस जनरली इंडियन अफिलिएट्स जो होते हैं वो एक देखते हैं एंड इसीलिए वो ज़्यादा आई थिंक अट्रैक्ट भी होते हैं। एक और मेन पॉइंट ये है कि वो डॉलर्स में अर्न करते हैं तो उनको लगता है वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है यहाँ पे अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। ये तो बात हुई अफिलिएट मार्केटिंग की। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो अभी तक हमने इस पूरे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हमने क्रिएट किए या जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे, तो उसमें हमने सिर्फ एक समरी या फिर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है। आई होप यह सीरीज आपको एक बिगनर्स लेवल पर हेल्प कर रहा हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।